नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बिजनेस बिट्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। हमारी आज की पहली खबर है केशव महेंद्र जी को लेके। तो केशव महेंद्र जी का आज देहांत हुआ। वो 99 ईयर्स के थे। 2023 में भारत के सबसे अमीर अरबपतियों के फोर्ब्स सूची में फिर से प्रवेश करने के कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी कुल संपत्ति $1.2 बिलियन है। वो भारत के सबसे पुराने अरबपति थे। 1947 में केशव जी ने अपने पिताजी को ज्वाइन किया था कंपनी में। वो तब यूटिलिटी व्हीकल्स की सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते थे। वह 1963 से 2012 तक महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भतीजे अनन महिंद्रा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। तो आज की हमारी दूसरी खबर है कच्चे तेल को लेके। तो खबर ये है, रूस के कारण भारत को इराकी तेल मिला सस्ता। तो मामला क्या है, आप सभी को पता होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू है और उस युद्ध के कारण कुछ यूरोपियन देशों ने रशिया पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाया थे। इसके कारण रशिया अपना तेल भारत को सस्ते में बेच रहा है और अब अगर इराक को भारत को तेल बेचना है उसको रशिया के बराबर उनके कच्चे तेल के रेट रखने पड़ेंगे। तो इसको देखते हुए इराक ने भी अपने तेल के रेट्स कम किए हैं। ब्लूमबर्ग आउटलेट के अनुसार जनवरी में $78.92 की तुलना में इराक से कच्चे तेल की कीमत एवरेज $76.19 प्रति बैरल थी। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के डेटा से पता चलता है कि रूस औसतन 72.14 प्रति बैरल थी, जो महीने दर महीने थोड़ी कम हो रही है। इसी बीच सऊदी अरब से कच्चे तेल फरवरी में भारतीय खरीदारों के लिए सबसे महंगा था। औसतन $87.66 प्रति बैरल था, जो एक महीने पहले $85.84 था। यानी कि जो अरब का तेल है वो इंडिया के लिए अभी भी महंगा होते जा रहा है। रूस से बढ़ती खरीदी के बीच भारत ने मिडिल ईस्ट से तेल आयात घटाया है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोर्टेक्सा के अनुसार देश के रूस तेल की खरीदी पिछले महीने 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। और आपको बता दे, इंडिया 74% ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, जो कि अपने जो ट्रेडिशनल इंपोर्टर थे, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे इराक से, उनसे डबल है। तो आज के हमारी तीसरी खबर है एलन मस्क को लेके। तो एलन मस्क ने ये कहा है, ही इज अनअवेयर व्हाई इंडिया ट्विटर पुल्ड पोस्ट ऑन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑफ मोदी। तो बेसिकली वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ट्विटर इंडिया ने मोदी जी की वो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने ली थी वो क्यों निकाली या फिर उसके वीडियोस क्यों निकाले। आपको बता दे, जनवरी में भारत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व पे सवाल उठाने वाली बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। वो वीडियो शेयर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कहा था। आपको बता दे, सरकार की सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा था कि सरकार ने ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री के वीडियो से जुड़े 50 से अधिक ट्वीट ब्लॉक करने के आदेश जारी किए थे। एलन मस्क ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद सम कंटेंट सिचुएशन इन इंडिया। द रूल्स इन इंडिया फॉर व्हाट कैन अपीयर ऑन सोशल मीडिया आर क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड वी कांट गो बियॉन्ड द लॉज ऑफ द कंट्री। तो एलन मस्क ने ये कहा है कि उन्हें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहा है उसके लिए भारत में कुछ काफी सख्त नियम है, रूल्स है, और हम देश के कानून से परे नहीं जा सकते। हमारी आज की चौथी खबर है आईफोन को लेके। तो खबर क्या है, तो खबर ये है एप्पल आईफोन मॉडल वर्थ मोर देन $5 बिलियन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये रिपोर्ट दी है ईटी टेलीकॉम ने। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो आईफोन बनते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और उस एक्सपोर्ट की वैल्यू है, आईफोन एक्सपोर्ट की वैल्यू है $5 बिलियन, यानी कि लगभग 40,000 करोड़। तो ये एक्सपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो ये एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है, कौन से देशों में होता है, जर्मनी, रशिया, यूके, फ्रांस, इटली एंड द मिडल ईस्ट, और जापान में भी
ये फोन्स एक्सपोर्ट होते हैं। आपको बता दें, इंडिया ने लगभग 10 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए फाइनेंशियल ईयर में। इसमें सैमसंग का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी लगभग $4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आपको बता दें, एप्पल पहला ब्रांड बना है जिसने 5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।